नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबर। दशरुल्लागंज, जैसे प्रभु राम के अयोध्या लौटने पर खुशी का माहौल था, ठीक वैसे ही हम भी प्रसन्न हैं कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच आने वाले हैं। यह कहना है ग्राम मनासा के लोगों का, जहाँ कल एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुँचने वाले हैं। वे शुक्रवार को दोपहर 12 बजे नशरुल्लागंज में सभा को संबोधित करने के बाद सीधे मनासा पहुंचकर वहां 1,43,70,000 रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिसमें 97,20,000 रुपए की लागत से 81 प्रधानमंत्री आवासों, 15,00,000 की लागत से महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर, 10,00,000 की लागत से CC रोड सह नाली निर्माण तथा 6,00,000 का खेल मैदान भी शामिल है। मात्र 645 लोगों की आबादी वाले इस छोटे से गांव से 2018 के विधानसभा चुनाव में 5 तथा लोकसभा चुनाव में 12 वोट ही विपक्ष के खाते में गए थे। मुख्यमंत्री के आगमन से प्रसन्न ग्रामवासी इस अवसर पर मोतीचूर के लड्डुओं से उनका तुलादान भी करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह परनाम है। कैसा लग रहा है आपको कल आपके गाँव मुख्यमंत्री आ रहे हैं? जैसे कि भगवान राम जब वनवास से लौटते हैं ना, तो वहाँ पे उनकी स्वागत के लिए ऐसी तैयारी की जाती है, जैसे हमारे गांव की भी उनकी तैयारी की जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, वो लोग सर मामा जी आ रहे हैं आपके गांव पे, तो बहुत खुशी है। हम उन्हें तराजू से तोलाएंगे मोतीचूर के लड्डू से। और हमारे गांव में जैसे पहले बहुत गरीब पिछड़ा हुआ गाँव था, आदिवासी गाँव, उनको सभी को मामा जी ने जुटी दी है। अभी 81 जुटी है पूरे टोटल, सभी को कल मामा जी उनके हाथ से वितरण करेंगे गाँव में आके। यानी कि कल के बाद आपके गांव में अधिकतर पक्के मकान? पूरे पक्के मकान हो जाएंगे। कैसा लगेगा जो आज तक कच्चे मकान में रह रहे थे उनको पक्का मकान मिलेगा? बहुत अच्छा लगेगा साहब, हमारे घर अभी ये टूटी टापी है पूरी, अब बनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा हमको। क्या नाम है आपका? कैलाश चंद कंगाल। जैसा कि कल आपके गांव मनासा में मुख्यमंत्री जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आप सभी को? अरे साहब, हमें जैसे त्यौहार आ रहा है इस प्रकार से लग रहा है, इतना उत्साह है पूरे गाँव में, तो कह नहीं सकते कि कितना इनको उमंग है। जो झोपड़ियों में रहते थे आज पक्के मकान के सपने लेकर के आज साकार होने वाली बात पर बहुत ज़्यादा उत्साहित है, और उनके स्वागत के लिए बेतुल है इस समय की कब आज आए, कब दिन हो गए दूसरा और साहब आए। आप क्या ग्रामीणों द्वारा उनका तुलादान का भी सुनने मार जी, कैसा क्या उनका इतना उत्साह है कि उनको मोती चूर्ण के लड्डू से तुलादान किया जाएगा, ऐसे सभी के हार्दिक इच्छा है पूरी जनता के। जैसा कि कल बता रहे हैं कि 82 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होंगे, तो गांव में कैसा लगेगा जब सभी को अपने मकान? बहुत कह तो रहे, बहुत खुशी की बात है, कभी सपने पूरे नहीं हुए तो वो सपने पूरे हो रहे, तो वो तो उनकी खुशी का तो आप कोई ठिकाना ही नहीं कि क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रमेश। कहाँ के निवासी हैं? मनासा। कल आपके गांव में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है साहब, हमारे गांव में समझ रहे कि हमारे भगवान आ रहे हैं। और ये जो आपके पीछे जो आपका कच्चा मकान बना है, क्या आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला? नहीं मिला था। नहीं, अब कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो क्या उनके उसमें स्वीकृति है? हाँ जी। अब मतलब ये मान चलिए कल मुख्यमंत्री जी आने के बाद में आपका नया मकान पक्का बन जाएगा, कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा साहब, हमारा जीवन सुधार हो जाएगा। सर आपका नाम क्या है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत गिल्लोर। ये मनासा गिल्लोर में आता? हाँ, ग्राम पंचायत गिल्लोर का ही टोला है मनासा। कल जिस प्रकार से यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का जो एक दौरा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम को लेकर ग्राम मनासा के लोग काफ़ी उत्साहित है, विगत 3-4 दिन से तैयारी कर रहे हैं, और जिन 81 हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी आवास की स्वीकृति प्रदान करेंगे, वो सब चंदा करके साहब का कहीं ना कहीं मिठाई और फलों से तुलादान करा रहे हैं इस तरह जोर शोर से, और गांव में खुशी का माहौल है। ऐसा कहा जाता है कि यहां पर मुख्यमंत्री विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, तो क्या है पूरा का? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विगत विधानसभा चुनाव में एक तरफा मतदान इस गाँव के लोगों ने किया है, टोटल आदिवासी बाहुल गाँव है ये, और कहीं ना कहीं इन गाँव के लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया और मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास जताया था, उसी के परिणाम स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय अचानक विगत 3 सितंबर को मनासा आए थे, और यहाँ जो ग्रामवासियों ने मांग की थी सारी मांगों की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
बाकी और कल जो साहब की मंशा होगी। कितने वोटर है और कितने वोट उस समय यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को उसमें मिले थे? यहाँ लगभग 245 मतदाता है, उसमें से 3 से 4 वोट दूसरे दल को गए थे, बाकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मिले थे। खबर समय जगत के लिए नसरुल्लागंज से हेमंत वैष्णव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।